तो so, कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की तरफ से एक कमाल का एक अपडेट आया फिर बोल सकते हैं कमाल की एक न्यूज आई है जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूं अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं या फिर आप बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काम की या फिर बोल सकते हैं ये जो नया अपडेट आया है डेफिनेटली आपका काम का है दोस्तों आपको बता हुआ कि हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं या फिर कोई यूट्यूबर कोई वीडियो को पोस्ट करता है यूट्यूब के अंदर जिसमें किसी का म्यूजिक यूज करता है तो वहां पर उसको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आ जाता है जिससे क्या होता है कि जो भी उस वीडियो से अर्निंग होती है वो अर्निंग किसको चली जाती है जिसका भी अपने अगर म्यूजिक यूज़ करा है तो उसके ऑनर को वहां पर अर्निंग चली जाती है तो वहां पर चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है हम बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं हम वीडियो को बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं लाइक हमने 10 मिनट की या 15 मिनट की कोई वीडियो को बनाया उसमें मुश्किल से हमने 15 सेकंड या 10 सेकंड का एक म्यूज़िक यूज़ करा और उसको एडिट भी करा पूरा हमने पूरा उसमें मेहनत करी उसके बाद होता गया था दस सेकेंड का हमने जिसका जिसका म्यूज़िक यूज़ करा उसके बाद उस वीडियो की अर्निंग चली जाती थी तो ये बहुत गलत होता था और बहुत नुकसान होता था यूट्यूबर को तो इसी को देखते हुए यूट्यूब ने एक नया अपडेट लाया है जिसके अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के बता रहा हूँ उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यूट्यूब अब क्या करने वाला है म्यूजिक इंडस्ट्री से पार्टनरशिप करने वाला है यह लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग अवर पार्टनरशिप विथ विथ न्यू म्यूजिक इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने वाला है जिससे क्या होगा टू गिव क्रिएटर मोर ऑप्शन टू इंक्लूड मच इन देयर वीडियोस इससे क्रिएटर को ऐसा ऑप्शन दे मतलब क्रिएटर को और अच्छी वो फैसिलिटी मिल जाएगी ताकि वो म्यूजिक को अपने वीडियो में यूज कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम साथ में वी आर स्टार्टिंग टू एक्सपेंडिंग विद टू ग्रो क्रिएटर म्यूजिक ऑप्शन फॉर देयर कंटेंट द इंक्लूड इंडस्ट्री इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ क्रिएटर फॉर एक्सेस आवर पार्टनर म्यूजिक वाइल स्टिल बींग एबल टू अ रेवेन्यू ऑन देयर वीडियो राइट नाउ वी आर स्टिल टेस्टिंग तो उनका मेन कहना यही है कि हम आने वाले टाइम पे म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं जिससे क्या होगा जो कंटेंट क्रिएटर है या फिर बोल सकते हैं यूट्यूबर है उनको ये फ़ायदा होगा कि अगर उन वो किसी किसी का भी बड़े मतलब जिससे जिसके साथ यूट्यूब ने पार्टनरशिप करी हुई है अगर उनका वो म्यूज़िक यूज़ करता है तो उसका रेवेन्यू सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने वीडियो को शूट करा है उसको नहीं जाएगा कि जिसने आपका जिसका आपने म्यूज़िक यूज़ करा है यह बहुत ज़्यादा होता था कि अगर मान लो आपने कोई वीडियो बनाई उसमें आपने किसी का म्यूजिक यूज़ कर लिया तो वहाँ पर आपका लॉस हो जाता था क्योंकि जिसका आपने म्यूज़िक यूज़ किया पूरा पेमेंट तो उसके पास ही चला जाता था बट अब ऐसा नहीं होने वाला पार्टनरशिप के बाद अब पार्टनरशिप उन्होंने ऐसा क्लियर नहीं नहीं करा कि कि किसके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं आने वाले टाइम पर वो क्लियर कर देंगे उन्होंने कहा है कि फिलहाल ये अभी टेस्टिंग हमने चालू कर दी है आने वाले टाइम पर हम इसको बहुत जल्दी इसको रोल आउट करेंगे मे बी वन मंथ या टू मंथ्स के अंदर इसको रोल आउट कर देंगे उसके बाद जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करने वाला है और किन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करिए मेन इस चीज़ का ये फ़ायदा है अगर कोई रोस्टर वीडियो अगर आप कोई यूट्यूबर है जो रोस्टर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर तो आपको म्यूज़िक बैकग्राउंड यूज़ करना ही पड़ता है या फिर कोई भी ब्लॉगर है या कोई आपको किसी चीज़ के बारे में बताता है जिसकी यूज़ करना बताता है तो वहां भी कभी, कभी, कभी म्यूजिक यूज़ करना पड़ता है तो जहां जहां आप वीडियो म्यूज़िक यूज़ करते हैं वहां वहां कॉपीराइट का टेंशन तो बहुत रहता है यार इस वीडियो इसका ही म्यूजिक यूज कर रहे हैं कोई कॉपी नहीं आ जाए कहीं क्लेम ना आ जाए तो ये सब टेंशन को देखते हुए उनका ये कहना है तो यूट्यूब का ये कहना है आने वाले टाइम पे हम ऐसा करने वाले हैं कि कंटेंट क्रिएटर के लिए फायदा होने वाला है जिससे कॉपीराइट म्यूजिक की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे काफी हद तक और उसको पार्टनरशिप करने के बाद अगर वो म्यूजिक यूज करेगा तो उसको भी वो अर्निंग कर पाएगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू दोस्तों इसका जो आर्टिकल का लिंक है मैं भी दे दूंगा जाके आप वहां पर रीड भी कर सकते हैं और साथ में इसमें बहुत सारे अपडेट्स सा आए थे पर मेरे को मेन अपडेट यही लगा यार कॉपी वाला तो सबके दिमाग में रहता है तो आपको अब आप देखते हैं कि नया अपडेट कब आता है तो उसकी वीडियो डेफिनेटली आएगी और सब्सक्राइब करना ना बोले अपने भाई के चैनल को तो थैंक यू दोस्तों